गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट सीखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर हम लोग इसके यूज़ पढ़ लें कि इसका कहाँ जो है एप्लीकेशन है, इसे कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ और ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आएगी और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है बेटा, वो ये है कि अगर आयन दी जाए, अगर आयन दिए जाएं और इन आयनों की स्टेबिलिटी आर्डर पूछा जाए कि कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा आयन कम स्टेबल है, या चार आयन दे दिए जाएं आप और आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगा कर आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, पहले तो हम लोग लिख लें स्टेबिलिटी ऑफ आयन। कई एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इनमें सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ आयन। आयन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। हाँ, क्या होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ आयन? तो आप यहाँ पर देख लें कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है आयन पर तो वैसे ही चार्ज होता है। दो प्रकार के आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज तो एनायन। और आयन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे चार आयन दे दिए जाएं और फिर उनमें से कह दिया जाए बताओ इनमें से कौन स्टेबल है, ऑलरेडी आयन अनस्टेबल होते हैं लेकिन फिर भी उनमें से कह दिया जाए कौन ज़्यादा स्टेबल है और कम, कौन जो है सबसे कम स्टेबल है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का जो है यूज़ करके आयन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो पहली बात तो ये हमने सीखा कि किसी भी आयन की स्टेबिलिटी उस पर उपस्थित चार्ज के इन्वर्सली होती है। मतलब किसी आयन पर जितना कम चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो, निगेटिव आयन ज़्यादा हो, नहीं, चाहे आयन हो कोई भी बेटा, चाहे वो कटायन हो चाहे एनायन हो, बस मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ओवरऑल हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है, हमें ये नहीं देखना है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है या पॉजिटिव है नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। उस आयन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, उतनी कम होगी। या कहें कि अगर आयन पर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है। अब मान लीजिए कि ये एक आयन है कार्बोकैटायन CH2, जिसका हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, और इससे कोई जो है ग्रुप लगा है, इंडक्टिव ग्रुप लगा है। मान लीजिए कि उसका नेचर जो है वो प्लस आई है, उसका नेचर प्लस आई है। मैं थोड़ा सा इसको बॉन्ड को बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझा सकूं। मान लीजिए कि ये जो है इससे इसकी वैलेंसी से ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या प्लस आई ग्रुप है। अगर ये प्लस, अब मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई माइनस आई, इसी तरीके से इंडक्टिव ग्रुप भी दो तरीके के होते हैं, प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप। और पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, अगर आपकी पहली क्लास है तो इससे पीछे वाले वीडियो में जा सकते हैं और उसको इंडक्टिव इफेक्ट और आर्डर प्लस आई माइनस आई का रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें बेटा कि अगर ये प्लस आई ग्रुप लगा है तो इसको स्टेबलाइज करेगा या इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, मतलब इसको इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में एक लाइन में इसको जो है रटने के लिए लिख लेंगे एक लाइन और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझते हैं। मान लीजिए कि इनके बीच जो बॉन्ड बना है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, जिसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये ग्रुप जो है वो क्या बेटा, प्लस आई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले ग्रुप होते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, और जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना होके इधर आएंगे, किसके पास बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास आएंगे।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है जो इसका खुद है जो इसने शेयर किया है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और जब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके प्रभाव को खत्म करता है और ये नेगेटिव चार्ज इसके प्रभाव को खत्म करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता जाएगा, इसका मतलब जो चार्ज है वो कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है बेटा, इस प्लस आई ग्रुप की वजह से कम हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल रहा है, रिपल कर रहा है। आगे सुनने, अच्छा जो जो चार्ज था वो चार्ज में कमी आ रही है, यानी मैं कहूं कि ये जो ग्रुप लगा है इस पर, इस आयन पर, ये क्या कर रहा है, इसके चार्ज को घटा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या स्टेबिलिटी ऑफ आयन यहां पर इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज। आगे समझ में, मान लीजिए कि यही प्लस आई ग्रुप है और अब की बार ये प्लस आई ग्रुप किसी दूसरे आयन से लगा है, दूसरे टाइप के आयन से, मान लीजिए मेरे पास कार्बन आयन हो, इससे लगा है ये प्लस आई ग्रुप। अब इसको भूल जाइए, मैंने इसको समझा दिया, अभी समझ जाइए कि इधर कुछ नहीं है। अब ये वाला प्लस आई ग्रुप इस कार्बन आयन से लगा है, कार्बन आयन से अगर लगा है तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड है, ये कोई लाइन नहीं, ये बॉन्ड है और बॉन्ड जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। बीच में मैं दिखा दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का है जो इससे जुड़ा होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका नेचर क्या है, जो ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मारेगा, ये बीच में नहीं रहने देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट ही होती है बेटा जो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। ऑलरेडी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि इस कार्बन पर चार्ज जो है वो बढ़ेगा, वो चाहे जो चार्ज हो, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज बढ़ रहा है बेटा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसकी वजह से बढ़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी घटेगी, क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आगे समझ में, ठीक है। अब इस ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक कॉन्सेप्ट और देखें, मान लीजिए कि अगर वो इंडक्टिव ग्रुप माइनस आई ग्रुप वाला है तो क्या करेगा, इसको भी लेकर आइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये आपके पास माइनस आई ग्रुप का माइनस आई ग्रुप है, कोई भी है जो हमने आर्डर लिखा है उनमें से कोई भी है, और ये लगा है मान लीजिए कार्बोकैटायन से, CH2+ कार्बोकैटायन से लगा है। अब देखिए माइनस आई ग्रुप हमने किसको बोला था बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, माइनस आई ग्रुप की तरह काम करते हैं, और या कहें माइनस आई ग्रुप वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बताइए माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, हम इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या करेगा बेटा, घसीटेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर है वो भी इसके हाथ से जा रहा है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज, आप जानते हो बेटा कि पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑलरेडी इस पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, तो चार्ज पहले से पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। मैं यहां पर लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेटा, चाहे जो चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, मैं ये नहीं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आपको तो दिख ही रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां पर इंक्रीज कर रहा है, किसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से, ठीक है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है या कहें चार्ज अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी घटेगी।
मैं बता दूं बेटा, चार्ज एक एनर्जी है और जहां एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, है कि नहीं। तो जो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। मान लीजिए कि ये माइनस, आई मीन अब इसको ध्यान, अब इसको अपने नजर से हटा दीजिए, इसको भूल जाइए। मान लीजिए कि ये माइनस आई वाला ग्रुप जो है वो किसी कार्बन आयन से जुड़ा है, ये देखिए कार्बन आयन से जुड़ा है, और इस ग्रुप माइनस आई ग्रुप और इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, मैं यहाँ पे उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, ये माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना। जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बताओ इस कार्बन पर भले से पहले से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके एक इलेक्ट्रॉन के दूर जाने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के कमी होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, तुरंत कम कर देगा। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, या कहें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को, या कहें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर किसी पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर आप एक सेकंड जो है अपने आप को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से जो है आप इस चीज को समझिए, और फिर आप देखिए मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखना है कि पहले मैंने आपको ये समझाया इसको लेकर, यहां पर देखिए प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, प्लस आई वाला ग्रुप, और प्लस आई वाला ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। देखिए प्लस आई वाला ग्रुप दो जगह लगा हो सकता है, कार्बोकैटायन से कार्बन आयन से, बताइए किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है लेकिन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बेटा, घटा रहा है। कहने का मतलब यह है जब कार्बोकैटायन पर प्लस आई ग्रुप लगा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जब यही प्लस आई ग्रुप कार्बन आयन पर जुड़ा रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। आइए यहां पर देख लीजिए बेटा, माइनस आई ग्रुप देखिए किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, किसकी घटा रहा है। देखिए माइनस आई ग्रुप कार्बन आयन से जब लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, और जब माइनस आई ग्रुप कार्बोकैटायन से लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बेटा, घटा दे रहा है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझा और कॉन्सेप्ट के बाद हम यहां पर जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि प्लस आई वाला प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ये चीज ध्यान दें, प्लस आई वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है जबकि माइनस आई वाला कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहां देखिए तो इसका उल्टा क्या हो जाए, अगर मैं कहूं बेटा प्लस आई वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। अगर मैं कहूं माइनस आई वाला कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। यानी प्लस वाला प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है यहां पर और माइनस वाला माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और माइनस वाला प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो एक टर्म लिखते हैं बेटा, एक सेंटेंस लिखते हैं, लाइक फेवर लाइक, जो जैसा रहता है वैसे का वैसे को क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है या फेवर करता, हम कह लें अपनी भाषा में लाइक फेवर लाइक, लाइक फेवर लाइक, जो जैसा रहता है वैसे को सपोर्ट करता है, यानी एक चोर है तो चोर का ही साथ देगा, है कि नहीं। लाइक फेवर लाइक इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन की सहायता से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कार्बोकैटायन,
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए। यहां पे मैं कार्बोकेटायन लिख दे रहा हूं, CH3 और यहां पर इस पर प्लस CH3 यहां पर CH और इस पर मैंने लगा दिया पॉजिटिव CH2। ये है कार्बोकेटायन और यहां पर है CH3। ये आपको चार कार्बोकेटायन आपके सामने नजर आ रहे हैं। इस कार्बोकेटायन को हम क्या बोलेंगे बेटा, टर्शरी कार्बोकेटायन। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। रटते हैं बेटा, नहीं देखिए, वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, कार्बोकैटायन। अब टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने तरफ दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन तीन तरफ दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टर्शरी कार्बोकैटायन। ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा है अगल बगल, तो दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और ये क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन। हमें इन सब की स्टेबिलिटी आर्डर पहचान बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर आयन है बेटा, ये सब के सब क्या है, आयन है, क्योंकि इस पर चार्ज है तो आयन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, जो कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसका सबका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल डालो तो सबका sp2 आ रहा है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यानी sp2। सब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी बेटा, एक जैसी होगी। अब हमें दूसरा डिफरेंस, यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन से हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें बेटा, इस कार्बन के अराउंड देखें कौन ग्रुप लगा है और उस ग्रुप का नेचर क्या है। वो ग्रुप प्लस आई ग्रुप की तरह तो नहीं काम कर रहा है, या वो ग्रुप माइनस आई ग्रुप की तरह तो काम नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। अब यहां पर आपको पता चल रहा है कि इस कार्बन से तीन ग्रुप लगे हैं और इन तीनों ग्रुप का नाम है मिथाइल। मिथाइल एक एल्किल ग्रुप है बेटा, मिथाइल एक एल्किल ग्रुप है, और आप जानते हो कि एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप, वो प्लस आई की तरह काम करता है। और मैंने पूरा आर्डर आपको लिखाया है प्लस आई माइनस आई का, जाके एक बार देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो मिथाइल है वो कैसे काम करता है बेटा, प्लस आई की तरह काम करता है। ये देखिए प्लस आई, तीन तीन प्लस आई ग्रुप, या कहें तीन तीन मिथाइल ग्रुप। जबकि यहां पर आप देखोगे बेटा तो यहां पर दो मिथाइल लगे हुए हैं प्लस आई, और यहां पर देखिए प्लस आई, यहां पर एक ही मिथाइल लगा है प्लस आई, और यहां पर मिथाइल नहीं लगा, हाइड्रोजन लगे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन दोगला इंसान है, ये ना तो प्लस आई की तरह काम करता है और ना ही माइनस आई की तरह काम करता है। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, अब प्लस इतना तो पहचान लिया कि कौन ग्रुप लगा है, उसका नेचर क्या है, तो प्लस आई ग्रुप लगे हैं। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस यहां पर है कि इस कार्बन पर, इस कार्बोकैटायन पर बेटा तीन प्लस आई ग्रुप लगे हैं सेम, और इस कार्बन पर दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं सेम, और इस कार्बन पर एक प्लस आई ग्रुप लगा है और इस पर एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है। यानी प्लस आई ग्रुप तो सेम लगे हैं सब पर, लेकिन नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इस तरीके से आइए कंसेप्चुअली पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए रिपल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले कार्बन के चारों ओर इकट्ठा होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगेगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। अब यहां पर देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बेटा, और जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा और ये देखिए चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा। और यहां पर भी वही होगा, देखिए चार्ज क्या होगा, कम होगा, यहां पर चार्ज सेम होगा बेटा। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि चार्ज सब पे कम हो रहा है, इस ग्रुप के लगे होने से चार्ज कम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए यहां पर कोई भी चार्ज जितना है उतने ही रहेगा, यहां पर चार्ज कम हो रहा है, एक लोग हैं चार्ज को कम करने वाले,
एक ही आदमी है चार्ज को कम करने वाला, यहाँ पर दो दो लोग हैं चार्ज को कम करने वाले, यहाँ पर तीन तीन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम, और यहाँ पर भी कम हो रहा है सबसे कम, यहाँ पर तो जो चार्ज है वैसे। तो इस तरीके से सबसे कम जिस पर चार्ज होगा उसका स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा घट गया जो चार्ज मैग्नीट्यूड का वो ये वाला है, इस हिसाब से स्टेबिलिटी आपको क्या होगा बेटा, ये देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्सरी, उसके बाद आपको दिख रहा है सेकेंडरी, उसके बाद दिख रहा है मिथाइल कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्चुअली इसको क्या किया बेटा, कॉन्सेप्चुअली आप इसको कैलकुलेट किए हैं, इसको देखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है। अब कॉन्सेप्चुअली इसको निकालने के बाद आप ऐसे ही याद करेंगे कि अगर आपको कार्बोकेटाइन दिए गए हैं तीन टाइप के कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन, और इसकी स्टेबिलिटी आर्डर पूछा जाए, तो याद रखिए अब आपको इसके बाद रटा होना चाहिए कि टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब आप अपना टाइम लॉस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन अब बार बार अगर यही आ रहा तो बार बार कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब आप इसको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, और ये इससे। ठीक है बेटा, अब ये था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे पहले एप्लीकेशन हमने आयन पर लेकर बताया कि आयन की स्टेबिलिटी को कैसे ये बढ़ा देता है और कैसे ये घटा देता है, ये आपके सामने है। अब मैं कुछ सवाल देता हूं जो आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आप करिएगा, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। कुछ सवाल है बेटा, नोट कर लीजिए। आपके लिए HW है बेटा, HW होमवर्क है। ये है क्वेश्चन, ये है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, अब जैसे कि यहां पे पहला दिया है कार्बेनाइन, यहां पे पहला दिया है CH3, और यहां पर नेगेटिव क्योंकि ये कार्बेनाइन है, और फिर यहां आपको दिया गया है CH, यहां दिया गया है CH3, ये है कार्बेनाइन, और ये कार्बेनाइन, और ये चार ऑप्शन दिए, मैं इसको नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ, 1 है मान लीजिए, 2 है, और ये है 3 है, ये 4 है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा, अगली क्लास से पहले CH2, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, CH2OH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, CH2NH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये तीन क्वेश्चन आपको, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, या आप यहाँ पे लिख लें विच इज मोस्ट स्टेबल, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिख लें, विच इज मोस्ट स्टेबल, इनमें सबसे कौन ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। और एक क्वेश्चन और है वो भी नोट कर लें, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन,
नहीं, इसका आप क्या करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताएंगे। चलिए इसका बताइए, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है CH3, CH2 और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है CH2 BR, यहाँ पर प्लस है, और तीसरा ऑप्शन है CH2 CL, और ये है CH2 CH2 F। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है विच इज़ मोस्ट स्टेबल। ये आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इनमें और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और है, वो भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन लिखा है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया आपको CH2 CH2 NO2 CH2 CH2 NO2, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। दूसरा ऑप्शन है CH2 CH2 CN। मैं बोल दे रहा हूँ, कहीं हो सकता है साफ ना लिखा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। और CH2 CH2 COOH, और CH2 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 F, ठीक है। और यहाँ पे लगा है नेगेटिव चार्ज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, करेंगे, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेना, फिर आज जो डिस्कस किया उसको पढ़ लेना। 100% गारंटी, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आगे अगली क्लास से पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसके जो है कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, कैसे कैसे इसका आंसर क्या क्या आया है, ठीक है बेटा। एक चीज़ और बेटा, पिछले क्लास में हमने प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप के स्टेबिलिटी का आर्डर हमने लिखाया था, आपको लिखा होगा। थोड़ा सा उसमें एक चीज़ ऐड करना है, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उस बुक में मिला NH2 ग्रुप मैंने नहीं लिखा है, तो आइए उसको भी NH2 ग्रुप की पोजीशन भी लिख देते हैं। NH2 ग्रुप वर्कलाइज माइनस आई ग्रुप बेटा, माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। तो आइए देखते हैं कि उस NH2 ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर है। माइनस आई ग्रुप का आपने आर्डर लिखा है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। OR2 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद मैंने लिखा होगा NH3 प्लस, उसके बाद मैंने लिखा है NO2 CN CHO, उसके बाद जगह नहीं है मेरे पास COOH, उसके पीछे है COOH, उसके बाद X, उसके बाद जो है OH, X क्या बेटा, हैलोजन OH, उसके बाद C6H5 मैंने लिखा होगा, उसी के बीच में आप लिख लो बेटा NH2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, C6H5, बस इतना ऐड करना है, क्योंकि ये NH2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर जगह आता है, तो दिक्कत ना हो तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे, कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे सिर्फ वीडियो जो है वी कर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। बेटा पूरा वीडियो पढ़ें, इसकी नोट्स बनाएं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है,
आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम देखिए, हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पूरा सेटअप किए हैं, जो है कहीं ना कहीं से जो है घर से आते हैं, बरसात होती है, बरसात का माहौल, घर से नहीं जो है निकल पाते हैं, पूरा सेटअप कोचिंग पर है। जब कोचिंग पर आप आते हैं तो वीडियो बनाते हैं, मौसम ख़राब है इसलिए रोज़ रोज़ नहीं आ पाते, इसलिए रोज़ रोज़ वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है। तो वीडियो जो है ये एकदम सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है, इसको आप नोट करें, कॉन्सेप्ट है इसको समझें, क्योंकि इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की नहीं पढ़ पाओगे, 35 नंबर आपका बर्बाद हो जाएगा, या फिर आगे की केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और ये जो आपके साथी हैं क्लास ट्वेल्थ के या क्लास ट्वेल्थ के बाद के जो भी साथी हैं, उनसे शेयर भी करो, लिंक वगैरह जो है वो शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। कहीं आपसे फीस उस तो ले नहीं रहा हूँ कि फीस लेके पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से बताइए, समझाइए कि पढ़िए, लॉकडाउन में सिर्फ बैठे ना रहिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।